हेलो बॉयज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बताया था कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं, तो आज उसी तरीके से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं की वो भी जाके लाजमी देखो, ताकि आप लोगों को इस क्लास के बारे में समझ आए कि ये क्लास हम लोग कैसे चला रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो वो भी लाजमी देख लो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। वीडियोज तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब लाजमी किया करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फुल कोर्स आएगा, और जो इस कोर्स पॉइंट तक देख लेगा वो प्रो ट्रेडर बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे ये हमारी आ गई है रेजिस्टेंस, ये आ गई है सपोर्ट, ठीक है, लगा ली हमने दोनों। अब मार्केट भी तो लेके आते हैं बीच में, मार्केट को भी तो लाना पड़ेगा कि किसी तरह चलेगा। ये हमारी मार्केट आ गए, मार्केट वो इस तरीके से वर्क कर रही है, रेजिस्टेंस से अपनी नीचे आ गई एक दफ़ा, ठीक है, फिर अगेन सपोर्ट से ऊपर चली गई, ठीक है, थर्ड दफा यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुकी है, यानी कि ये अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ से आपको सेल लेना चाहिए, अभी बिल्कुल भी हम सेल यहाँ पे नहीं लेंगे, पहले हम देखेंगे मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है। यहाँ पे मार्केट ने अगर एक बैरिश कैंडल बनाई, फिर एक बैरिश कैंडल बनाई, ठीक है, दो बैरिश कैंडल हो गई, और अगेन मार्केट, ठीक है, दो बैरिश कैंडल बनाने के बाद भी हम पहले ये देखेंगे कि अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इसको रीटेस्ट कर रही है। अगर वो इसको रीटेस्ट कर रही है और वहाँ से अगेन सेलिंग की कैंडल्स बना रही है, जैसे कि ये बन गई सेलिंग की कैंडल्स, और जब हम सेकंड दफ़ा, एक दफ़ा रीटेस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है, रीटेस्ट इसको कहते हैं मार्केट रीटेस्ट, रीटेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट। अगर ये रीटेस्टिंग करके वापस सेलिंग की कैंडल्स बना रही है यहाँ से, तो फिर हमने यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेनी है। मैं आप लोगों को लेके भी दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ होगा, और टेक प्रॉफिट जो होगा वो नेक्स्ट सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर रख ले, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी ट्रेड ली जाएगी यहाँ पे, और ये मैं आपको भी रियल मार्केट के अंदर भी दिखाता हूँ कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मज़े मज़े के प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं, और बड़े बड़ा मुनाफा कैसे ले सकते हैं, और बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर बताऊँगा, ठीक है। और जब मार्केट ने यहाँ से वापस अगेन नीचे आई, ठीक है, इसने रीटेस्टिंग दी थी और मार्केट गोन फॉल डाउन। अब यहाँ पे आई, मार्केट ने थोड़ा सा साइड पे ट्रेंड बनाया, थोड़ा सा अप पे ट्रेंड बनाया, ठीक है, अब इसको थोड़ी सी सपोर्ट को अपनी ब्रेक भी किया, लेकिन ये नीचे नहीं की, वापस ऊपर आ गई, फिर यहाँ से आई, और फिर ये वापस अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर पहुँच गई। थर्ड टाइम भी आप यहाँ पर ट्रेड लेने के बहुत से चांसेस हैं, थर्ड टाइम क्या, फोर्थ टाइम भी ले सकते हैं, बट चौथी दफ़ा थोड़ा सा देख के लेनी चाहिए। थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ से आएगी, यहाँ से उसी तरह नीचे आएगी, उसी तरह रीटेस्टिंग करेगी, ठीक है, उसके बाद हम मार्केट को डाउन वे के अंदर देखेंगे, और फिर हम डाउन की ट्रेड लेंगे सेल की। उससे पहले हम लोग कभी भी सेल की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि रीटेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। यहाँ पर भी जैसे ये आई ना, यहाँ से वापस ने रीटेस्टिंग दी और फिर सेलिंग की अगर मोमेंटम बनाया, तो हम इसकी सेल की ट्रेड लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ पे समझ आ गई होगी, और इसी तरह यहाँ से बाय की ट्रेड भी हम इसी तरीके से लेंगे कि जब मार्केट जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है, ऊपर गई, रीटेस्ट दिया या साइड वे बनाया, तो फिर हम साइड वे का, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइड वे पर ट्रेड कैसे करनी है, साइड वे के ऊपर इस तरह करके लगाएंगे ट्रेंड लाइन, और साइड वे का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, रीटेस्टिंग होगी, देन मार्केट गोन अप, ठीक है। साइड वे बनाए, जो मर्जी ट्रेंड बनाए, अब वे बन रहे हैं, ट्रेंड ना भी बनाए, बस हमें रीटेस्टिंग दे दे, तो हम मार्केट को बाइंग के अंदर देखेंगे। अब मैं आप लोगों को रियल मार्केट के अंदर जाके दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं रियल मार्केट में ये सब चीज़ें। अब हम आगे हैं जी रियल मार्केट में, यहाँ पे ये आ गई जी हमारी रेजिस्टेंस, ये देख सकते हैं आप, और ये आ गई हमारी पहले वाली रेजिस्टेंस के ऊपर रखते हैं जो पहले लगे थे, और यहाँ पे ये आ गई है हमारी सपोर्ट, ठीक है, पहले वाली के ऊपर रखेंगे।
ताकि आप लोगों को समझ तो आए, और लोगों की तरह मैं भी आप लोगों को चूतिया तो नहीं बनाऊंगा, आपको को इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें बताऊंगा। और जो लोग यहाँ पे पेट बेचते हैं ना, उनके मुंह पे तमाचा है इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं कह रहा यार, पेट बेचो, तुम जो मर्जी करो, हम मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगा और वो चीज़ सिखाऊंगा जो वो उनकी कोर्सेज के अंदर भी नहीं होगी। फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट ऊपर आई, फिर नीचे आई, ये अपनी सपोर्ट के ऊपर आई, ऊपर गई, रीटेस्टिंग दी, देन मार्केट गॉन अप, यहाँ तक आई है मार्केट, लेकिन अपनी सपोर्ट को टच नहीं किया, अगेन ऊपर, ठीक है। लेकिन आधी सपोर्ट तक भी आपको मूव दे दे तो बहुत बड़ा होता है वो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करनी है। मार्केट गई ऊपर, ठीक है, फिर सेकंड दफा जब यहाँ पे पहुंची तो आप लोगों ने यहाँ से सेल की ट्रेड ली, मार्केट नीचे, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्टिंग नहीं दी, लेकिन मार्केट ने आप लोगों को इतनी हैवी कैंडल दे दी कि यहाँ पे आप लोगों को रीटेस्टिंग की जरूरत ही नहीं, इतनी हैवी कैंडल दे दी। हाँ, अगर आप लोगों ने रीटेस्टिंग, फिर भी आप लोगों को है कि तुमने कहा था कि रीटेस्टिंग नहीं हुई तो यहाँ पे क्यों नहीं हुई रीटेस्टिंग। अब मैं आप लोगों को रीटेस्टिंग का बताता हूँ कि रीटेस्टिंग आप लोग कैसे देख सकते हैं कि हुई है या नहीं हुई है। ये वाला एरिया था ना रीटेस्टिंग का, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे रीटेस्टिंग हो जा रही है। यहाँ पे मैं आ गया H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, H4 के चला जाऊँ, H1 के चला जाऊँ, डजंट मैटर जो भी टाइम फ्रेम है, चल तो सही बाबा, बाबा चल, कहाँ गया हमारा सर्कल, क्योंकि H1 ये आ गया जी हमारा सर्कल, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, रीटेस्टिंग ही होगी ना एक किस्म की, क्योंकि पिछली सपोर्ट को टच नहीं किया था और मार्केट गॉन फॉल डाउन। अगर आपको रीटेस्टिंग नजर नहीं आ रही, आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी आके रीटेस्टिंग को देख सकते हैं और आप लोग वहाँ पे मूव ले सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ इस तरह बनती है और आप लोग हज़ारों का प्रॉफिट इससे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ऊपर गई, नीचे, फिर ऊपर गए, फिर उसी एरिए से नीचे आई, फिर यहाँ पे इतने थोड़ा सा डाउन में दिया तो फिर हमने सपोर्ट जो है वो यहाँ पे लगा ली, ठीक है। यहाँ से हमने सपोर्ट पकड़ी और यहाँ पे भी सपोर्ट लगा ली। अगर क्यों लगा ली, क्योंकि जब इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देगी तो हम इसको यहाँ तक देखेंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे भी सपोर्ट लगा ली। फिर मार्केट ऊपर गई और अब वापस वहाँ से ही डाउन है इस टाइम जो मार्केट है। और गोल्ड को मैं आपको पिछले एक महीने से इंस्टाग्राम पे कह रहा हूँ कि गोल्ड को सेल करो, सेल करो, सेल करो। मेरा इंस्टाग्राम अगर आप लोगों को नहीं पता, किंग एफएक्सी भाई है मेरा इंस्टाग्राम, उधर भी जाके फॉलो करो ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहा करें। यहाँ से मार्केट, मुझे उम्मीद है कि अभी फिलहाल तो यहाँ तक की इसकी उम्मीद है, इसकी ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर ये सपोर्ट भी टूट गई तो ये वाली सपोर्ट आ गई, ये सपोर्ट भी टूट गई तो ये वाली सपोर्ट आ गई, और ये सपोर्ट टूट गई तो फिर ये वाली बैक एंड पे बचती है। लेकिन मार्केट आप लोगों को हमेशा अच्छा मूवी देती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। तो आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अगर आप लोग यहाँ से ट्रेड लेते, इस एरिया से यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते, तो आप कितना प्रॉफिट बना सकते थे, हज़ारों डॉलर का। और इसी सपोर्ट से ट्रेड लेते, ठीक है, चलो यहाँ पे तो आपका एसएल हो गया, कभी कभी मार्केट को एसएल भी दे दिया करो, ठीक है। हमारे भी एसएल्स होते हैं, हर बड़े ट्रेडर के एसएल होते हैं। और अगर यहीं से अगेन आप लोग रेजिस्टेंस से यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेते हो, जो कि मैंने ली थी, और आप लोग अभी तक हम लोग चलेंगे और मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, हज़ारों डॉलर का प्रॉफिट बन जाता है इतने से मूव के अंदर, ठीक है, गोल्ड के अंदर। ये गोल्ड है, मजाक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, पिछली वीडियोज भी लाजमी देख लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो टेक केयर, बाय।